हेलो फ्रेंड, आज बहुत ही यम्मी पराठा लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। तो आज डिनर के लिए मैं बनाऊंगी दाल का पराठा, जो मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का बहुत पसंद है। तो सोचा उनको पसंद है तो आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, तो मैं कैसे बनाती हूँ वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल चाहिए। देखिए, एक चम्मच से भी कम ही होगा शायद, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं दिखा रही हूँ, एकदम जल्दी दिखा दूँगी। ये देखिए, ये चने के दाल को मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए, 2 या 3 घंटा हो गया होगा भिगो के रख दिया था। और ये चने दाल का स्टफिंग में आपका जाएगा ये लहसुन की कलियाँ। मेरे हस्बैंड को लहसुन बहुत पसंद है, इसीलिए मैं लहसुन डालती हूँ। ये फुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह अदरक डालिएगा। और ये 2 मिर्च जो मैंने तोड़ लिए हैं, और ये जाएगा ऑयल में ज़ीरा। तो मैं सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मिक्सी में डाल के इसको चूड़ा बनाना है। तो कैसे बनाऊँगी दिखाती हूँ। तो ऑयल गर्म हो चुका है, ज़ीरा मैं डाल रही हूँ। इस जीरे से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। गार्लिक भी दे देती हूँ, थोड़ा सा इसके साथ फ्राई हो जाएगा। ग्रीन चिली भी दे दूँगी। गार्लिक की जगह आप लोग अदरक दे दीजिएगा। और फिर मिर्च भी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। नमक थोड़ा अच्छे से डालिएगा, क्योंकि स्टफ थोड़ा नमक कम हो जाएगा तो एकदम अच्छा नहीं लगेगा। टेस्ट कर लीजिएगा। और इसमें पानी का मेजरमेंट आपको ऐसा डालना है, पानी भी सूख जाए और ये चने जो है वो भी फ्राई हो जाए, बॉयल हो जाए। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। पानी देखिए अपने आप छूट रहा है। ये भी मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। लव यू मम्मी, लव यू माँ, हमें तुम्हें अनेक अनेक भालोबासी, तुम्हें अनेक सुस्थ थाको। पानी डाल दूंगी मैं, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे होता है। तो देखिए, पानी सूख गया है, दिखाती हूँ। ये देखिए, तो आप लोगों को अदरक भी नहीं डालना है और लहसुन भी नहीं डालना है, तो धनिया डाल दीजिएगा खूब सारा। ऐसे फ्राई कर लीजिएगा धनिया को भी। तो मैं पानी सुखा लेती हूँ, क्योंकि ये तो बॉयल हो चुका है, तो ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी को ऐसे सुखाना है। तो इट्स डन, ये हो गया है। इसको बस ठंडा करने की ज़रूरत है। ठंडा करने के बाद फिर मिक्सी में डाल के इसका चूड़ा बनाना है। तो मैं दिखाती हूँ आगे कैसे करती हूँ। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँ। तो ये देखिए, ये मेरा ग्राइंड हो चुका है, ग्राइंड कर लिया है देखिए। और ये तो पहले से मैंने लगा के रखा है, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये मैंने ये सुबह नाश्ते के लिए जब बनाया था तो मैंने रख दिया था, तो हो जाएगा हमारा 4। और देखिए कितना अच्छा, और इस टाइम में आप सॉल्ट को टेस्ट कर लीजिएगा, देखिए कितना अच्छा हुआ है ना, स्मूथ, कितना यमी लग रहा है ना देखने में। तो पेड़े को आप ऐसे ले लीजिएगा हाथ में, दोनों हाथों में आप आटा या मैदा जिससे बनाओगे वो थोड़ा सा हाथ में लगा लीजिएगा, और ऐसे चारों तरफ से आप थोड़ा सा पतला करते हुए बीच में जगह कर लीजिएगा। एक कटोरा का शेप देना है आपको, ताकि आप उसमें स्टफ डाल सको। देखिए इस टाइप का बन गया है मेरा कटोरा। अब इसमें मैं स्टफ़ को डाल दूँगी, और जितना हो सके आप दीजिए, और उतना भी मत दीजिएगा कि फट जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों तरफ से मैंने दे के अच्छे से, ये देखिए उंगली से दबा दबा के, जैसे हम लोग मोमो को जो ऐसे बनाते हैं ना, तो उस टाइप का बना के, ये जो एज होता है इस एज को एक साथ में लेके अच्छे से इस आटे के साथ टक करना है। तो अब आटे को डस्ट कर देती हूँ इसके ऊपर, और देखिए ये चारों तरफ जो स्टफ़ है चारों तरफ बस चला जाए, उसीलिए मैं थोड़ा सा दबा दबा के फैला रही थी। तो देखिए अब मैंने एक रोटी जैसा बना लिया है, हो गया है मेरा।
देखिए कैसे बनाए, देखिए थोड़ा भी कहीं पे फटा नहीं है, चारों तरफ इक्वली मेरा स्टफ गया है। तो इसे ऐसे बनाना है, तो मैं दूसरा भी आप लोग के थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, पहले मुझे भी नहीं आता था बट अब मैं थोड़ी सी सीख गई हूँ। बची गया है मेरा, तो पहला पराठा मैंने दे दिया है। अच्छे से चारों तरफ सेकना होगा ताकि कच्चा ना रह जाए। ये तो रोटी सेकना मुझे किसी को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बताती हूँ क्योंकि इसमें अंदर स्टफ़ है। तो मैंने चारों तरफ से एक साइड में फ्राई कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे घी लगा रही हूँ। और देखिए क्या इतना अच्छा से फूलेगा ना, ये चारों तरफ से फूलेगा और जितनी भी बनाइएगा उतना ही फूलेगा, कोई भी बिना फूले बनेगा ही नहीं। तो देखिए कितना अच्छा फूल गया है मेरा पराठा। और देखिए मैंने सेक लिया है दोनों तरफ से अच्छे से, अच्छे से सेकिएगा इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा। तो सेक लिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना यम लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो जिन्होंने नहीं बनाया होगा घर में। तो मैं दूसरा भी दिखा रही हूँ, तो चारों तरफ मैं अच्छे से फ्राई करके फिर बटर या घी या ऑयल जो भी हो आप लगा लीजिएगा। तो देखिए कितना यम्मी बना है ना, देखिए लेयर, देखिए आपका कितना अच्छा लेयर बना है ना, देखिए पूरा एकदम बहुत ही यम लगता है। कैसा लग रहा है? हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी लाइफ ब्लॉग। पराठा कैसा लगा? बहुत ही यम लगता है ये पराठा, और घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ऐसे आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ हर दिन हर रोज़ मुझे जुड़े रहना बहुत पसंद है। तो चाहे मैं मुझे जितना भी काम हो, मैं जितना भी बिज़ी हूँ, थोड़ा टाइम आप लोगों के साथ रूबरू होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पराठा बनाया मेरे घर पे, ये पूरी बनता है, ऑयल में पूरा छाना जाता है और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। बट मैंने पराठा बना के दिखाया, आप लोग पूरी जैसा छोटा छोटा बनाइएगा, डेढ़ चम्मच से हो जाता है अगर आप पराठा बनाओगे तो। और अगर पूरी बनाओगे तो बहुत सारा ऑयल जाता है, तो हम बहुत सारा ऑयल अब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी पे। तो कम तेल खाना अच्छी बात होती है ना फ्रेंड? तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके कम ऑयल खाना। और देखिए पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ अभी। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिएगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, मतलब जितना भी आप लोगों को थैंक यू बोलूँ बहुत कम है। थैंक यू सो मच, रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही हमेशा।